देवारा खास राजा के बगहवा में बाढ़ व कटान पीड़ितों से मिलने पहुंचे भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव। देवारा खास राजा के बगहवा में घाघरा नदी तेजी से कटान कर रही है। कटान की चपेट में आने से कई लोग बेघर हो चुके हैं। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव ने कटान पीड़ितों से मिलकर उनका दुख दर्द जाना। बेचू यादव ने कहा कि शासन प्रशासन को जो भी कटान से लोग बेघर हुए हैं उनका सर्वे कराकर उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनकी तुरंत मदद की जाए। कटान से बेघर हुए गांव के कई लोगों ने बताया कि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है और वह लोग खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। गांव के ही एक व्यक्ति का मकान नदी की चपेट में आ गया और वह पंचायत भवन में रह रहे हैं। उन्होंने वर्तमान प्रधानपति पर आरोप लगाया कि उन्हें पंचायत भवन खाली करने के लिए बार बार दबाव बनाया जा रहा है, जबकि उनके पास रहने की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी नाम बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम सुदामी। कौन जगह है? बढ़ई टोला, बढ़ई नहीं है यहाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारे समस्या ये बाबू, ना हमारे खेत और हमारे बाड़ी है, ना हमारे घर है, ना हमारे द्वार, हमारे तीन बच्चे के लेके नहीं गेदे गेदे लड़का हमारे पास। हाँ बाबू, सब खवैया हमारे करवैया के होना है बाबू। देख हम तुम्हारे बही बगा हम लेके मरत है। हम ये कहते हैं कि हमारे घमानों का तो ठिकान वकान मिले कि नहीं मिले। अरे खेती थी, बाढ़ कट गई है ना? ना खेत ना है हमारे, हमारे घम के हैया ना, हमारे भाई परदान हमके खेत बाड़ी कत्तों ना दिए ले, हमें कोई बिछा ना दिए ले। हम सरकारी कोई मदद नहीं मिल पाई? ना सरकारी हमके कत्तों ना मदद पौले हैं, सरकार के हम कुछ ना पौले हैं। पैतृक जमीन थी क्या पहले से? हाँ, पैतृक पहले की जमीन थी आपके पास? हमारे पहले परिवार में तीन है रहना, हमारा सब कट गया, थोड़ी बात कट के नदिया में चल गया बा। हाँ तो नदी में गई बा कट के। हाँ भैया हमारे कुछ ना हमारा ठेकान है बा। हम बिना पता है कौन कौन है? हमारे तीन बेटवा हमें कमलेश, दिनेश, जितेंद्र। हाँ कहाँ रह? अरे बाबू कहाँ रहा, जहाँ लोग कमात बा तहाँ लोग खात बा भैया लोग। हमारा आपका कोई ख्याल नहीं रख रहा है क्या? ना ही ख्याल रखा है, उन्होंने ना ख्याल रखे के हमके दे भैया पाभर। यहाँ घर बार सब कुछ तबाह? हाँ एकदम तबाही है। पानी खेत दो चार बिस्सा रहा था, पानी में नदी में कट के चल गई है बा। हमारे पास कुछ तादाद नहीं रह गई है बा। वही मरैया पर बाँस बा, बाँस एक जगह पर हम के घर है बा। हाँ हाँ गिरजा देवारा खास राजा पूर्व प्रधान गिरजा शंकर यादव। अच्छा, इसमें क्या स्थिति है कटान की? इस समय स्थिति बाबू बहुत हम लोगों का जटिल है एकदम। तो हमारा मकान टूट गया, नदी सामने एकदम आ गई है, कब गिरा देगा कोई भरोसा नहीं। यहाँ से सर सामान उठा करके ले जाके पंचायत भवन में रखने हैं। वह पंचायत भवन हम 2003 में बनवाले हैं अपने खुद जमीन में और अपने हाथ से बनवाया हूँ। आज जो प्रधान है उनके साथ हम लोग रहे, वोट किए, लेकिन फिर भी वहाँ जाने पर कहते हैं कि हम सामान खाली कर देंगे, फेंक देंगे। कौन प्रधान है वहाँ? कौन प्रधान है? राम सिंह यादव। अच्छा अच्छा, कह रहे हैं वीडियो हम लोगों को गाड़ी में धंधा कर रहे हैं। हमने वीडियो से बात किया, वीडियो बेचारे बहुत नॉर्मल वीडियो कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम बात करते हैं। तो आज ये बताइए, बारिश का हालत है समस्या, आज हम सामान लेके कहाँ जाएं, किसके घर पर जाएं, कहाँ रखें? आप पंचायत भवन में कितने दिन से रह रहे हैं? पंचायत भवन में आज एक महीना हो गया। क्या अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुँचा? नहीं कोई। कितना दिन हो गया लगभग कटान से? कटान से हमारा जब वहाँ सर सामान ले जाकर के आज एक महीना हो गया हमको। अच्छा जी, और इस कटान पर नेपाल आते हैं, नेपाल के अलावा कोई आज तक नहीं आया। सिर्फ आज यही संभाला प्रदेश सचिव बेचू यादव भारत परिषद के ही आए हैं, कोई नहीं आज तक आया खबर लेने। अच्छा, इसमें आपका घर कट गया है नदी में? घर कट गए, खेत बाड़ी सब कट गए, को भी सजा ले रहा। तो चाचा कहाँ आप अपन रहते हैं इस समय? ये दूसरे के घर में, मतलब कि अपन दिन गुजारत है जी। आ भैंस पड़िया होते रेता में मल्ले हैं नदी के बीच। कुछ मदद नहीं मिली सरकारी? आज तक कोई मदद ना है, अट्टा पट्टा भर की मतलब हो गई हुआ, लेकिन वो भी
नाद मिलल वही नवास मिलल पट्टा मिलल कहीं जमीन मिलल न कहीं व्यवस्था पर। चाचा आप कितने दिन से दूसरे घर में रहते हैं? यहाँ तो हो गए पर मतलब कि कटल हो साल भर हो जाला जी। साल भर ही घर। कहाँ था आपका घर पुराना वाला? पुराना घर वो नदी में हो गया हो दे। कौन सा पुरवा था वो? यही रह मतलब बीच अगर हो मतलब तिलोक वाला पुरवा। अच्छा अच्छा, एक साल से आप दूसरे घर में रहते हैं? हाँ। अभी कोई आपको कुछ मिला नहीं? कोई नहीं मिला। ठीक। यादव, मैं समाज सेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आज कई दिन से जानकारी मिली कि यहाँ पर बाढ़ क्षेत्र में कटान हो रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में भी दौरा करने के लिए दोबारा खास राजा आया हूँ। यहाँ पर देख रहा हूँ कि तमाम जो इन लोगों की ज़मीनें थी सब कट करके धारा में चली गई है। घर भी कट गया है, घर कट रहा है, ये लोग अपना नई एक पटान बना करके जगह जगह तोड़ करके बेचारे लोग ले जा रहे हैं सब। और पता ये चला है कि अभी तक प्रशासन द्वारा कोई इनको मदद नहीं मिल रही है। कटान क्षेत्र में अब नदी किनारे कटान हो रही है, तो यहाँ पर कम से कम एक लेखपाल का रहना यहाँ और कानकों का रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है। कम से कम किसका घर कट रहा है, किसको क्या सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब जैसे माता जी बता रही हैं कि मेरा घर एकदम बिल्कुल कट जमीन कट चुकी है, किसी तरह बांस के नीचे रह रही हूँ, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, तो आखिर व्यवस्था इनको कौन देगा? यह सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। अभी तक कोई यहाँ पर नेता भी नहीं बता रहे हैं लोग, कोई विधायक एमपी तक नहीं आया जो है कि सूद लेने के लिए कि कटान हो रही है, लोग अपना घर तोड़ करके कहाँ ले जा रहे हैं, उनके पास पैसा है कि नहीं है, नई पटान करेंगे कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे। कम से कम जनप्रतिनिधि आप हैं, जनता आपको सम्मान दिया है, तो आपको भी आकर के क्षेत्र का जायजा लेना चाहिए। लेकिन ना कोई यहाँ नेता मंत्री आया, ना कोई अधिकारी कर्मचारी लोग बता रहे हैं आ रहा है, तो फिर यह बहुत ही दुर्दशा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यह समझ लीजिए बहुत दुखद बात है कि इस क्षेत्र का दौरा नहीं हो रहा है। मैं यही प्रशासन से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी यह कटान हो रही है देवारा क्षेत्र में, अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुला करके इसका निरीक्षण करावें। जिनका भी आवास कट रहा है कहीं कहीं, उनको रहने के लिए उनको ज़मीन मुहैया कराई जाए। जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं उनके लिए रहने के लिए तत्काल में कोई ना कोई व्यवस्था उनको किया जाए, और खाने पीने से लगाए सारी व्यवस्था का उपलब्धता उनको कराई जाए।